हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य पंडित और भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बैंक का ऑक्शन कैसे लेते हैं, जहां से आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं और भी बैंक के जो भी ऑक्शंस होते हैं, गाड़ी वगैरह, सभी ऑक्शंस में आप कैसे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। उसके लिए मैंने साइट बता दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। सबसे पहले इसके लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक किया है और ये बेसिक मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो मैं यह फॉर्म पहले भरता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो लॉगिन आईडी होगा वही आपका ईमेल आईडी आपको रखना है, यही आपका लॉगिन आईडी ही आपका ईमेल आईडी होगा। पासवर्ड, पासवर्ड में हमेशा याद रखेंगे, ये सभी को रखना पड़ेगा। स्पेशल कैरेक्टर भी देना है और अपर केस, जिसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलते हैं। एक बेसिक लेवल का फॉर्म है जहाँ से आप भर, इसको आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी बैंक के ऑप्शन के टेंडर आप भर सकते हैं, जहाँ पे बैंक में प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से कम रेट में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। व्हीकल्स, जो गाड़ी उठाते हैं बैंक वाले, वो गाड़ी आप ले सकते हैं। और बैंक के साथ जो भी लोन्स होते हैं और वो कोई नहीं ले सकता, जो जो नहीं दे पाता, उनके ऊपर ऑक्शंस निकलते हैं। वो ऑक्शंस जितने भी बैंक है, सभी बैंक का ऑक्शन इसी साइड पे आता है, वहां से आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट ले सकते। इसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन भी करके बताऊंगा और ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे ऑक्शंस में हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो बताएंगे, और अब ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते वक्त प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है उसके बारे में भी हम दिखाएंगे, और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सब होने के बाद यहाँ पे देखिए, जो स्टार मार्क है वही वैलिडेट है, बाकी की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। इसको कैप्चा डालेंगे और इसको रजिस्टर करेंगे। मैंने जो कैप्चा है वो गलत डाला, इसलिए हो नहीं रहा है। मैं फिर से यहाँ पे कैप्चा को पुट कर इनपुट करता हूँ। और जो हमारे महाराष्ट्र या गुजरात जहां से हैं, बाकी जो ऑक्शंस के हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। ये मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा, ये सक्सेसफुली मेरा कंप्लीट हो गया। इसके लिए आपको ईमेल भी आ जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बताया जाता है जो आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। अभी ईमेल आईडी जो मैं अभी लॉगिन किया था उससे मैं लॉगिन होता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन हो जा रहा हूँ। देखिए मैं लॉगिन हो गया। यहाँ पे फेवरेट या लाइव में मेरे पास टेंडर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई टेंडर भरा नहीं है, इसकी वजह से नहीं है। यहाँ पे नीचे लाइव डिटेल, जितने भी टेंडर का ऑक्शंस चालू है वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कहाँ का है, कितना अमाउंट का है, सभी डिटेल्स आपके अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यदि ये टेंडर भरना है तो ऐड टू फेवरेट कीजिए और इसको ओके कर दीजिए, तो ये आपके फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओके कर दिया तो मुझे ये मेरा ऑक्शन मेरे फेवरेट में आ गया। देखिए यहाँ पे मुझे टॉप में दिखने लगा फेवरेट और बाकी के टेंडर्स मुझे नीचे दिखने लगे, तो मैं यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ, ये इसको फिल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक नॉर्मल टर्म्स कंडीशन है, उसको एग्री करना है। इसके लिए कोई फीस नहीं है, ईएमडी खाली आपको पे करना पड़ेगा, ये भी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है। अब यहाँ पे उसके पार्टिसिपेट का बटन है, मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करता हूँ। पार्टिसिपेट में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से ईएमडी पेमेंट करना पड़ेगा ऑफलाइन मोड पे, जहाँ पे डीडी, बैंक रिसिप्ट वगैरह से कर सकते हैं, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड बोला है, यहाँ पे पैन कार्ड मुझे अपलोड करना है। यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, मेरा ये डेमो पर्पस के लिए, इसलिए मैं अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, जनरली एक पीडीएफ फाइल या इमेज फाइल आप दोनों अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये दो फॉर्मेट में रहता है, ये दोनों में आपको अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर देता हूँ। देखिए मैंने पैन कार्ड अपलोड कर दिया, वहां से एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करना है। ये मैंने सबमिट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे, ये मेरा सबमिट नहीं हो पा रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि हमने इसका प्रॉपर सेटिंग नहीं किया। जब तक आप प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे, ये आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। तो सेटिंग्स हमने कुछ, इसके लिए कुछ सेटिंग्स है जो आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से लॉग आउट होना पड़ेगा और वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो इस साइट के लिए चलता है, तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे से लॉग आउट हो जाऊंगा। यहाँ पे देखिए यदि आपको ऑक्शन का डिटेल्स देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक व्यू टू ऑक्शन डिटेल्स करके आप ऑक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे एनेक्सर जो आपको अपलोड करना है वो एनेक्सर का डिटेल्स भी है, इसको भी फिल करके आपको अपलोड करना होता है, और कितने का बीडिंग है ये सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शो ऑक्शन डिटेल्स है, देखिए वहां से आप चेक कर सकते हैं सभी डिटेल्स, और नीचे आपको प्राइस कोड करना होता है। तो मैं आपको पहले सेटिंग दिखा देता हूँ, फिर बाद में हम यही सब को रिपीट करेंगे फिर से। तो यहाँ पे डाउनलोड डीएससी प्लगइन्स, जो डिजिटल सिग्नेचर हम यूज करते हैं उसका प्लगइन से जो आपको डाउनलोड करना है। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड चालू कर दिया डीएससी का प्लगइन्स, उसके बाद मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन्स को। ये मैंने इंस्टॉल हो कर रहा हूं, इसको आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करते जाना है। जब तक ये नहीं करेंगे तो आपका ये अपलोड होना मैं आपको एरर्स दे सकते, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं होगा। लॉगिन तो हो जाएंगे, सभी कुछ हो जाएंगे, पर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। तो ये प्लगइन्स आपको जरूरत है, चाहे तो आप ये जब भी आप टेंडर भरें या उसका ऑक्शन करें उससे पहले ही आप प्लगइन्स कर लीजिए। इसको मैं जावा को अलाउ कर देता हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ पे फिर से मैं लॉगिन, देखिए अभी मैं प्लगइन्स कर दिया, उसको इंस्टॉल कर दिया, फिर से मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। प्लगइन्स कर दिया अभी लॉगिन करके, मैं फिर से आपको एक टेंडर दिखाता हूँ कैसे टेंडर्स को करेंगे। ये लाइव इवेंट में इतने सारे टेंडर्स है तो आप इसमें से आप ले सकते हैं। व्यू ट्रैक ये मेरे फेवरेट लिस्ट में जो मैंने अभी फेवरेट में डाले थे। पार्टिसिपेट फिर से सेम, अभी यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले ईएमडी और टेंडर फीस और बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स। तो मैं डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड कर ले रहा हूँ जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बताया था। यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ, देखिए अभी ये मेरा चीज सबमिट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको जो सेटिंग्स थे वो मैंने डाल दिए। थोड़ा प्रॉब्लम दिया, फिर से मैं करूंगा, फिर अभी देखिए फिर से मेरा अपलोड हो जाएगा। ये मैं ऑक्शन के यहाँ से डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप एनआईटी के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कैसे एनआईटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैं आपको डाउनलोड, या टेंडर के डॉक्यूमेंट्स जो आपके डिटेल्स है बीडर्स के वो डिटेल्स देख सकते हैं जो किस तरीके एग्रीमेंट्स होगा। ये आपको एनेक्चर वगैरह भी अपलोड करना पड़ता है ये फॉर्मेट में, ये आपको फिल करके आपको अपलोड करना होता है जहाँ पे आपके सबके डिटेल्स होते हैं। देखिए डिटेल्स ऑफ द बीडर ये आपको सब फिल करके आपको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ता है, जो आपको वहां से डाउनलोड के ऑप्शन से वहां से आपको डाउनलोड में मिल जाएगा। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको अपलोड करना पड़ता है। ऑक्शन बीड फॉर्म्स डिक्लेरेशन है जो सर जो डाल रहा हूं मैं सब सही है करके। मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ, वो कुछ बेसिक सेटिंग थोड़े मिस्टेक हो रहे थे इसकी वजह से नहीं हुआ, पर अभी ये अपलोड हो जाएगा प्रॉपर। इसको सबमिट करें, थोड़ा टाइम लेता है सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड होने के लिए, इंटरनेट स्लो होने की वजह से भी काफी काफी थोड़ा टाइम लेता है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए ये आपका अपलोड सक्सेसफुली हो गया, जैसे अपलोड हो गया हमारा यहाँ पे अपलोड अपलोडेड बोल के आ गया। ईएमडी फीस हमने नहीं पेमेंट किया है तो हमको यहाँ पे ईएमडी का सभी डिटेल्स डालना पड़ेगा, कौन सा बैंक का आपने ईएमडी निकाला है, किस पर्पस डीडी के रूप में निकाला है, आरटीजीएस किया है, तो जो भी है मैंने चालान रिसिप्ट डाल रहा हूँ, आप जैसे डाल चाहिए वैसे आप निकालिए और उसके हिसाब से डाल सकते हैं। कभी का डेट का है और उसका आपको रिसिप्ट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे नाम, यदि आपको रिफंड जब चाहिए होता है तो किस अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो पूरा डिटेल्स आपको डालना है। यहाँ पे आपका अकाउंट, यदि आपको ये टेंडर आपको अलाउड नहीं होता मतलब ऑक्शन में आप यदि सबसे बिलो रेट नहीं आते तो आपको क्या अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको रिफंड कर दिया था इसलिए उसका आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स डालना है, प्रॉपर डालना है,
यदि आप प्रॉपर नहीं डालेंगे तो आपका ये पैसा आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा, फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है। और इसको मैं सबमिट कर दूंगा फिर से थोड़ा वेट, यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे मेजर डॉक्यूमेंट थे, थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ये हमारा अपलोड हो गया। अभी मुझे आपको यहाँ पे कोर्ट को प्राइस में आपको लेना है, तो कितने प्राइस में आपको लेना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ रेट देखना पड़ेगा, रेट कितने का है। तो आपको इधर राइट साइड में देखिए, यहाँ पे रेट आपको पता चलेगा ये टेंडर कितने का है। इससे आप कम वैल्यू में आप टेंडर को नहीं ले सकते, इससे आपको ज्यादा ही रेट डालना पड़ेगा ऑक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक रेट डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बिलो में डाल देता हूँ, देखिए आपको क्या क्या एरर देता है। यदि मैंने यहाँ पे कम रेट डाला तो ये पे 43 लाख का है, मैंने 26 लाख में डाल देता हूँ, तो क्या बोल रहा है वो, उससे बिलो में कोट आप नहीं कर सकते, उससे आपको ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक रेड कलर में एरर आ जा रहा है, फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, फिर भी ये सेव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसको सबमिट नहीं किया। बोल रहा है प्लीज सबमिट कोट प्राइस, मतलब आपको यहाँ पे ये अमाउंट को सबमिट करना है, इसके वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे वहां पे क्लिक करके फिर से इसको सबमिट करना पड़ेगा, वो रेड कलर में आ रहा है। यहाँ पे जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमारा फाइनल सबमिशन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी आपको रेट डालना है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं, इसको फाइनल सबमिट करेंगे और इसके बाद ये आपका सेव्ड हो गया। अब यहाँ पे फाइनल हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ऊपर में ग्रीन कलर में आ गया, मतलब ये डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इस तरीके से हम ऑक्शन का टेंडर को हम भरते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा बेल आइकन को लगाना ना नहीं भूलिए। थैंक यू।